जो मैंने अभी प्रोमो देखे, गाने देखे, मतलब आप सोच सकते इतने हॉट, मतलब पसीने छूट रहे, बहुत अच्छा प्रोमो लगा। और साहिल, इमरान, मनीष जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और एक फैमिली यंगस्टर्स अभी की जनरेशन के लिए और एक फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अलग है। जब लॉकडाउन हुआ था तो सबके कैसे तोते उड़े थे, तो वैसे एक शादी होती है और शादी में सडनली लॉकडाउन लग जाता है तो कैसे बारातियों का, दूल्हा का, दुल्हन का, उनकी फैमिलीज के तोते उड़ जाते हैं और एक कैसे फंस के एक हाउस में रह जाते हैं, तो उसकी ये स्टोरी है। बहुत अच्छा आपने डायरेक्शन किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लोग इसको एक बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके भी तोते उड़ जाएंगे। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन में ऐसा भी हो सकता है। वैसे सबके साथ तो लॉकडाउन में क्या क्या हुआ है, लॉकडाउन पे जितनी वेब सीरीज फिल्में बने उतनी कम है, बट ये एल लग गए, मतलब इसको आप लॉकडाउन में एल लग गए, तो दोनों ही मीनिंग्स है, यू नो। बहुत अच्छा लगा, सबने अच्छा काम किया। देखिए, सिने प्राइम जो OTT प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी वेब सीरीज एल लग गए बनाई है। पूरी जैसे एक राइस प्लेट होता है, उसमें आपके पास चिकन भी रहता है, मसालेदार सब्जी रहती है, दाल थोड़ी फिक्की रहती है, चावल रहता है, रोटी रहती है, तो तभी एक अच्छा राइस प्लेट बनता है। तो इसीलिए फिल्म तब बनती है जब एक दूल्हा और दुल्हन की लव स्टोरी के साथ एक एक कैरेक्टर ऐसे आते हैं तो उसमें थोड़ा रोमांस नहीं हुआ तो पब्लिक फिर बोलेगा अरे यार इसमें तो कोई रोमांस ही नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। तो देखिए, एक पूरी फिल्म बनाने के लिए आपको सब कुछ होना चाहिए। किसिंग विसिंग क्या है, अभी से थोड़ी शुरू हुआ है, जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से किसिंग शुरू हुआ है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू इमरान हाशमी जी, और इसमें इन्होंने भी, उनका नाम भी इमरान ही है, जो इन्होंने, इनका तो लग रहा है इमरान जी का तो अभी तक लॉकडाउन खुला ही नहीं है, लॉक लगा के आए। बहुत अच्छा लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, साहिल ने, सब ने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है, डायरेक्टर साहब ने। मैं तो कहती हूँ कि मैंने तो डाउनलोड कर लिया है सिने प्राइम, आप लोग कब कर रहे हैं? मैं 9 दिसंबर को मैं तो देखने वाली हूँ। ऑडियंस और पूरी दुनिया में बसे हुए जो इंडियंस हैं, अदर लैंग्वेज वाले, सबको पसंद आएगी मूवी ये वेब सीरीज। सर आपने बोला था कि फैमिली फिल्म है, नाम ही कभी ना कहीं डबल मीनिंग वाला है, फिल्म में बहुत अलग चीजें देखने को मिल रहा है, क्या कारण है आपको इसको फैमिली फिल्म के लिए सपोर्ट कर रहे हैं आप? नाम को हम क्लियर करना चाहते हैं, इसका पूरा नाम है लॉकडाउन लग गए, इन शॉर्ट हम लोग इसको एल लग गए बोलते हैं, आप इसको अन्यथा ना ले। और दूसरी चीज, व्हाट वाज द क्वेश्चन खादिम? जी बहुत ही सिंपल लड़का है जो अपनी किसी से प्यार करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, शादी के लिए भी फैमिलीज मान जाती है, और कैसे क्या सिचुएशन होती है कि जब वो बारात लेकर जाता है तो क्या होता है उनकी फैमिलीज के बीच में, आप एक जगह में दोनों फैमिलीज बंद जाती है लॉकडाउन की वजह से, तो ऐसा है। बाकी मेरे कैरेक्टर बहुत ही स्वीट सिंपल है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम नॉर्मल सब हम होते हैं, एक छोटे शहर का लड़का है और छोटे शहर की फैमिली है और उनके बीच में एक कैमराडरी है। जब लॉकडाउन एक्चुअल में लगा था तो आपका अनुभव कैसा रहा? सर वैसे ही अनुभव रहा जैसे सबका था, बहुत ही मुश्किल हुई, दिक्कत बड़ी सारी, बट हाँ पहले लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन में सब पता चल गया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हाँ दिक्कतें आई, बट देन बहुत सी सुविधाएं थी जो गवर्नमेंट ने दी हमें, उसकी वजह से सब ठीक भी था, ठीक चल पा रहा। इंटरेस्टिंग है, मेरे दोस्त की शादी हो रही होती है और मैं अपनी जगह पे मगन रहता हूँ। बाकी आपने देखा होगा किस सीन में आप लाइक, किस सीन के बाद क्या सीन है वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये वल्गर है, इसमें किस की गई है या ऐसा कुछ है, आप लाइक ज़रूर देखिएगा एक बार। वो सस्पेंस वो बता नहीं सकते,
अगर वो बता दिया तो फिर मज़ा नहीं लगेगा। हम लोग क्लियर लॉकडाउन ताला लगा दिया था, समझ रहे हैं कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, सिम्बॉलिक है पूरा वो। सर स्टोरी एक लड़का है जिसको शादी करना है, उस परिवार को बड़ी उम्मीदें हैं कि उसकी शादी होगी तो उनके वंश का परिवार का नाम आगे बढ़ेगा, और बड़ी उम्मीदों से बारात जाती है, शादी की तैयारियाँ होती है, और जैसे ही ये लोग सरे पड़ने वाले होते हैं और मालूम पड़ता है कि मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया है, उस डर से पंडित जी भाग जाते हैं। टुकड़ी कहानी उसी के आधारित है, और कैसे परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सारी चीज़ें सबने बताई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं ये कहूँगा कि बहुत से डायरेक्टर के साथ काम करा है, बट सर सर की स्पेशलिटी बोलूँगा कि बहुत फास्ट काम करते हैं, जो जितने सीन्स दिन के लगाए जाते हैं वो पूरे ख़त्म होते हैं, मेरे को लगता है और भी ज़्यादा लगाए थे। सो वन ऑफ द फास्टेस्ट शॉटिंग मतलब जिन्होंने शूट करा है डायरेक्टर, ही इज़ वन ऑफ द विच आई वर्क विद, और बहुत अच्छा शूट करा है, ऐसा भी नहीं कि जल्दबाजी में कुछ इधर उधर हो गया, बहुत अच्छा शूट करा है जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपने देखा है अभी ट्रेलर में। सो या बहुत मज़ा आया। फिल्म के बारे में ये कहूँगी कि मैं वेदिका की माँ का रोल कर रही हूँ, नॉर्मल शादी में ही माँ के ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो लॉकडाउन में बारात रुक गई है घर पे, कब जाएगी पता नहीं है, तब सोच सकते हैं माँ की क्या हालत हुई होगी। तो फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा देख के, सब देखें। बहुत मज़ेदार लग रहा है, मैंने भी आज ट्रेलर पहली बार देखा, गाने पहली बार देखे, सो आई एम एक्साइटेड। बहुत मज़ा आया, आई थिंक हम लोग सेट पे भी काफ़ी मस्ती करते थे, हम रील्स बनाते थे, इमरान हमें सिखाता था, तो मज़े भी किए, सिखाया हर शॉट कैसे लेना है, थैंक यू, वो इसका एक्सपर्टीज है। हाँ, और मेरा डेली का काम है घर पे, ठीक है, लेकिन उसमें तड़का नहीं लगाती तो मज़ा नहीं आता ना, तो इस सीरीज़ में मैं तड़का हूँ, तो प्लीज़ ये सीरीज़ हमारी देखिएगा, सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सर, कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है और बहुत ही साफ सुथरा, ऐसा नहीं है कि जो सीन्स देख के डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कर लें कि पता नहीं क्या इसमें आगे होगा, लेकिन जो भी आप देखेंगे बाद में खुद ही डिसाइड करेंगे कि बहुत अच्छा और फैमिली के साथ देखने वाला ये, और ये हमारे राजेंद्र राठौड़ सर बहुत कंफर्ट करा के, मैंने मतलब सभी एक्टर को कंफर्ट करा के इन्होंने काम दिया है, चाहे लेट नाइट हो जाए लेकिन किसी एक्टर को चूँ नहीं निकलना है, क्योंकि हमारे राजेंद्र सर साथ में थे, सो बहुत अच्छा लगा सर हम लोगों को साथ में काम करके।